what we are going to learn. Yes, socho hum aaj kya padhenge? Ha, hum aaj padhenge sound d. Today we are going to learn sound d. Yes. So students, sound d ko ekdam phatafat se yaad rakhne ke liye mam aapke liye ek choti si story line hai, hai na? Jisse aapko sound d hai wo easy rahega. Yes. So chalo mere saath students. David naam ka ek boy tha, hai na? Uska naam kya tha? David. Yes. Abhi uske toy room mein bahut saare toys the, bahut saare. Par wo decide karta hai ki mere paas to itne saare toys hai, main kis se khelunga? Main kya doll se khelunga? Duck se khelunga? Ya fir drum se khelunga? To वो सोचता है कि थोड़ी देर में डॉल से खेलूंगा, उसके बाद थोड़ी देर में टक से खेलूंगा और लास्ट में उसको ड्रम के साथ खेलने में बहुत मजा आती है. यस, और जब वो ड्रम बजाता है, कैसे बजाता है? ऐसे ऐसे, है ना? तो जब भी वो ड्रम बजाता है, ड्रम में से कैसी आवाज आती है पता है? यस. तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट्स? ड ड ड ड ड ड. वेरी गुड. यस. तो अभी हम ड से शुरू होने वाले वर्ड्स को अच्छे से करेंगे, है ना? देन क्या है? देन. यस. देन इसका स्टार्टिंग का वर्ड कौन सा है स्टूडेंट्स? यस, डी. तो देन. यस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स बोलो मेरे साथ, डॉग. क्या? डॉग. यस. इसका स्टार्टिंग का वर्ड कौन सा है? डी, डॉग. यस. नेक्स्ट कौन सा है स्टूडेंट्स बोलो मेरे साथ? डो. यस, डो. यस. स्टार्टिंग का लेटर कौन सा है? डी, ड. यस. अभी नेक्स्ट कौन सा है पढ़ो मैम के साथ? डस्टबिन. यस. स्टार्टिंग का लेटर कौन सा है? ड, डस्टबिन. यस. एंड लास्ट हम सबकी फेवरेट डॉग. और इसका स्टार्टिंग का लेटर कौन सा है? डी, ड. एक और बार हम रिपीट करेंगे, आपको भी मैम के साथ बोलना है ना? Then, dog, do, dustbin, or dog. Yes. आप सबको तो आ गया. Yay, good. The students, आपको इसकी घर पर बोलकर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको भी साउंड जो है वो अच्छे से आ जाए. तो सब प्रैक्टिस करोगे ना घर पर? Yes. Till then,